हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूँ, गुजरात गैस से लेटेस्ट न्यूज टॉक टू बाय नाउ। दो दिन पहले हमने देखा गुजरात गैस ने, महानगर गैस ने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए। दोनों कंपनीज ने बेहतरीन नंबर्स डिक्लेयर किए थे और पिछले दो दिनों में मार्केट में अच्छी खासी गिरावट फिर से हमने देखी है, लेकिन इन दोनों गैस सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी है। कल भी ये स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ था, आज भी अच्छे खासे मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है। और इसके पहले गुजरात गैस को मैंने मेरे चैनल पे कई बार रेकमेंड किया है। जब ये स्टॉक करीबन 750 प्लस के लेवल्स पे था, तब भी मैं ये स्टॉक को रेकमेंड कर रहा था। उसके बाद डिटोरिएट हुआ, क्वार्टर टू कह सकते हैं, यहाँ पे क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स डिसेंट एनफ थे, और उस हिसाब से यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थे क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स के, यहाँ पे उस हिसाब से नंबर्स पिछले बार नहीं आए थे दिसंबर क्वार्टर के, और उस वजह से पिछले तीन महीने में काफ़ी कह सकते हैं यहाँ पे करेक्शन आया था स्टॉक में। लेकिन अब फिर से एक बार मोमेंटम गैस सेक्टर में आया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पे गैस सेक्टर के डिटोरिएट हुए थे, तो और साथ ही में वॉर के सिनेरियो में गैस सेक्टर सबसे वर्स्ट सेक्टर था। लेकिन ऑल दिस न्यूज काउंटर करते हुए यहाँ पे जो क्वार्टर फोर के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, बेहतरीन नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, और उस हिसाब से आज फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ। जिन्होंने ऑलरेडी उस लेवल्स पे इन्वेस्ट किया, मैं अभी भी कहूँगा होल्ड कीजिए। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और गैस सेक्टर हमेशा अच्छा रिटर्न देता है अपने इन्वेस्टर्स को, जो इन्वेस्टर्स पेशेंटली उसे होल्ड करते हैं। गुजरात गैस को इस लेवल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होना चाहिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होना चाहिए, ये सभी कुछ वीडियो में देखेंगे। साथ ही में वीडियो की शुरुआत में मार्केट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि पिछले दो दिनों में अच्छी खासी गिरावट मार्केट में फिर से हुई है, लेकिन जो मैं कई पिछले दस से आठ दिनों से कह रहा हूँ यहाँ पे, कि मार्केट में ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं ओवरसोल्ड सिचुएशन आ चुका है। ग्लोबल मार्केट कहिए, इंडियन मार्केट्स कहिए, यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुकी है निफ्टी सेंसेक्स दोनों, और यहाँ पे पुल बैक रैली कभी भी बनता है। यहाँ पे इस समय जो मेजर सपोर्ट था 16,000 स्पेसिफिकली 16,150 का लेवल, जो कल के दिन हमने टूटते हुए नहीं देखा, लेकिन आज हमने उसे टूटते हुए देखा। दूसरा लेवल था 15,850 का, जो आज हमने इंट्राडे बेसिस पे टूटते हुए देखा। क्लोजिंग उसी लेवल के आसपास दिया है निफ्टी ने, 15,820 के आसपास क्लोजिंग दिया है, यानी सपोर्ट लेवल्स के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। लो देखे आज के दिन पे तो करीबन 15,730 का था स्पॉट में, और अगर हाई देखे, हाईएस्ट पॉइंट आज का, तो वो था करीबन स्पेसिफिकली 16,000 के आसपास। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा इस समय पिछले दो दिनों में जो हाई बना है 16,150 का, वो उस लेवल पे यहाँ पे कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एक पुल बैक रैली होगा, या वो कल हो सकता है या मंडे हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे पुल बैक रैली कह सकते हैं शुरुआत हो चुकी है, और उसका इंडिकेशन आज हमने देखा जिंदा स्टील एंड पावर, अंबुजा सीमेंट जैसे स्टॉक्स में लास्ट के 15 मिनट में तेजी आते हुए, यानी शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त आई थी। टाटा एलेक्सी, अडानी पावर, जिंदाल स्टील एंड पावर आज शाम को फाइनल लिस्ट बाहर होगा एमएससीआई इंडेक्स का, और शायद ये तीनों स्टॉक्स उसमें एमएससीआई इंडेक्स में इंक्लूड हो रहे हैं, जिस वजह से इन तीनों स्टॉक्स में अच्छी खासी मोमेंटम थी। अंबुजा सीमेंट, रैमको सीमेंट, अल्ट्रासेक सीमेंट, ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में लास्ट की 15 मिनट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी गई है। गुजरात गैस आज के दिन पे भी 570 पे बंद हुआ है, तो अच्छा खासा मोमेंटम के साथ बंद हुआ है। तो क्या टारगेट्स होने चाहिए गुजरात गैस के, कैसे इस इन्वेस्टमेंट को टैकल करना है अगर आप इस समय फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है उनको कैसे एवरेज करना चाहिए, या फिर पोजिशन में कैसे होल्ड ऑन करना चाहिए, ये सभी कुछ इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो की शुरुआत में दो सर्विसेज का एक ओवरव्यू देना चाहूंगा जो हम प्रोवाइड करते हैं। पहली सर्विस है YouTube लाइव। एवरी सैटरडे दोपहर को 3 से 4:45 के बीच में हम YouTube लाइव कंडक्ट करते हैं, जो इस सैटरडे हम पहली बार कंडक्ट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू सम रीजन, नहीं तो हर एवरेज एवरी सैटरडे को यहाँ पे स्पेसिफिकली 3 से 4:45 के बीच में ये YouTube लाइव कंडक्ट होता है, जिसमें आप अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो इस सैटरडे तो ये Q&A सेशन कंडक्ट नहीं होगा, लेकिन आने वाले सैटरडे को 3 बजे YouTube लाइव में जुड़ जाइए। एग्जैक्टली 45 मिनट्स में अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, और वहीं पे कह सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को और भी बेहतर बनाइए। दूसरा तरीका है एडवाइजरी स्कीम में ज्वाइंट हो जाइए। सबसे पहले आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाएगा, आपको हैंड होल्डिंग मिल जाएगी, मेंटरशिप मिल जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिलीवरी बेस, इंट्राडे बेस, एफएनओ बेस, तीनों तरीके से आपको कॉल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एज पर योर कन्वीनियंस आप कॉल्स में ट्रेड कर सकते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोई भी एडवाइजरी स्कीम में आपको नहीं मिलेगा, मार्केट आवर में आप फोन के थ्रू हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके एडवाइजरी स्कीम में ज्वाइंट हो जाएंगे, साथ ही में
YouTube लाइव में जुड़िए और अपने पोर्टफोलियो को और भी बेहतर बनाइए। तो चलिए डेटा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं गुजरात गैस में क्या डेटा है, क्या रिजल्ट्स आए हैं वो देखते हैं, और उसके बाद कह सकते हैं स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या टारगेट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो क्या टारगेट होना चाहिए, और स्पेसिफिकली कौन से लेवल्स पे ये स्टॉक फिर से एक बार रिट्रैक्ट होते हुए बनता है चार्ट पे, वो भी सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि दिन में दो बार कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स मिले जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी बेहतर हो सके। तो सबसे पहले रिजल्ट जानते हैं। महानगर गैस, गुजरात गैस, सभी गैस कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। रिजल्ट अगर हम देखें तो स्पेसिफिक अगर हम देखें तो रिजल्ट के बाद शेर खान की तरफ से ये टारगेट आया है 538 का बाइंग उन्होंने रिकमेंड किया था जो कल के दिन पे था, आज ऑलरेडी ये 570 पे पहुंच चुका है और टारगेट है 680 के आसपास। तो ये शेर खान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से ये टारगेट आया है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है करीबन यहाँ पे 453 करोड़ का, और 89% ज्यादा है यहाँ पे एस्टिमेट्स के हिसाब से। 80% ईबीटा में राइज देखा गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्जिन अच्छे से इम्प्रूव हुए हैं लेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रॉस मार्जिन ऑफ ₹10.7/SCM अप 2.3x क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑन अकाउंट ऑफ लोअर गैस स्टॉक लोअर गैस कॉस्ट प्राइस हाइक्स एंड राइज इन वॉल्यूम शार्प ऑफ राइज हाई मार्जिन सीएनजी। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं गैस कंपनीज ने सीएनजी और यहाँ पे स्पेसिफिकली एलएनजी के प्राइसेस इंक्रीज किए थे, जिस वजह से यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव हुए थे, और क्योंकि मार्जिन इंप्रूव हुए थे अच्छे खासे मोमेंटम में सभी गैस कंपनीज के रिजल्ट आए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ग्रो हुआ है, एग्जैक्ट क्या नंबर्स है वो आगे इस लाइव शो में हम देखेंगे। साथ ही में अगर हम देखें तो जो शेर खान की तरफ से जैसे मैंने कहा है टारगेट वो 680 का है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है इस लेवल पे बाय करके 550-570 के बीच में, तो आपका टारगेट होना चाहिए 625 का। तो 625 के लिए बाय कर सकते हैं गुजरात गैस को स्पेसिफिकली फॉर शॉर्ट टर्म, लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का भी है तो 680 का टारगेट रखिए इस समय, लेकिन ये टारगेट जरूर रिवाइज होंगे क्योंकि परफॉर्मेंस भी आगे जाके क्वार्टर वन रिजल्ट्स के काफी बढ़िया आएंगे। रिजल्ट्स अगर हम देखें तो पिछले साल मार्च क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू था 3450 करोड़ के आसपास, इस बार रेवेन्यू जनरेट हुआ है 4790 करोड़ के आसपास, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं यहाँ पे 1200 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है पूरे साल में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले साल 468 करोड़ था, इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स है करीबन 586 करोड़ के आसपास, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल था 350 करोड़ के आसपास, इस बार है 444 करोड़ के आसपास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछले पांच क्वार्टर में कंपनी लॉस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव में, हर बार कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में दिखाया गया है। पिछले मार्च में कंपनी का ईपीएस था 5.1, इस बार ईपीएस है 6.5, तो ईपीएस भी अच्छे खासे मोमेंटम के साथ ग्रो हुआ है गुजरात गैस का। स्पेसिफिक अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे नेट सेल्स की बात करें, जैसे मैंने कहा करीबन 4700 करोड़ के आसपास नेट सेल्स हुआ है जो 39% ईयर ऑन ईयर ज्यादा है। नेट प्रॉफिट जैसे मैंने कहा 440 करोड़ है जो पिछले साल 350 करोड़ था, यानी 26% ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में। ईबीटा की बात करें तो पिछले साल था 573 करोड़, इस बार ईबीटा है 715 करोड़, यानी यहाँ पे भी करीबन 24% का ग्रोथ देखा गया है ईबीटा में। गुजरात गैस की स्पेसिफिकली हम बात करें तो इस समय अगर हम देखें तो जो क्रूशियल लेवल था इसका वो था 540 का, जो आज उसने स्ट्रॉन्गली क्रॉस किया है, और उसके बाद का रेजिस्टेंस था 555 का, जो आज के दिन पे क्लोजिंग बेसिस पे भी उसने क्रॉस किया है। तो उस वजह से अगर टारगेट अगर हम देखें तो 620 यानी 630 के बीच में, और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है इस लेवल पे आप बाय करते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए करीबन 625 के आसपास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो एक्सपांशन किया हुआ है गुजरात गैस का, 155 नए सीएनजी स्टेशन बने हैं, साथ ही में इंक्लूडिंग टू लिक्विड टू कंप्रेस नेचुरल गैस स्टेशन द हाईएस्ट बाय एनी सीजीडी प्लेयर इन इंडिया, टेकिंग इट्स टोटल टैली ऑफ स्टेशन टू 7711। इस समय अगर हम देखें तो टोटल सीएनजी स्टेशन गुजरात गैस के 711 है। It also added 1,54,000 new household commission, 423 new industrial customers, and expanded its network by 249 kilometers in the financial year 2021-2022. यानी अच्छे खासे मोमेंटम में इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने एक्सपांशन किया है।
पांच दिन का चार्ट पैटर्न देखे तो आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चार्ट बनते हुए देखा था। रिजल्ट के दिन पे 504 से लेके करीबन 540 तक और आज के दिन पे फिर से एक बार अच्छे खासे 570 के लेवल तक इसने टच किया है। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखे तो बॉटम था 482 का, हाईएस्ट पॉइंट था आज के दिन पे 570 का, और एक साल का चार्ट पैटर्न देखे तो एक साल में इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो था 784 और वहां से ये स्टॉक पिक्टोरेट होकर 480 के लेवल्स तक आया था और इस समय फिर से 570 के लेवल्स पे आ चुका है। बढ़िया स्टॉक है, जिन्होंने 750 के लेवल्स पे भी बाय करके अभी भी होल्ड किया है, मैं कहूंगा अगर आप और भी थोड़ा टाइम पेशेंटली होल्ड करेंगे स्टॉक्स को, अच्छा खासा मोमेंटम आपको गुजरात गैस में मिल जाएगा। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखें तो परसों के दिन पे 1 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम था, जबकि अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो पूरे महीने का सिर्फ 21 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसमें से 5 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 61% है, FIS के पास 5.98% है, DIS की बात करें तो 9.53% और पब्लिक होल्डिंग्स है करीबन 23% के आसपास। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल डाइवर्सिफाइड है गुजरात गैस का। लेवल्स अगर हम देखते हैं तो RSI है 56, MFI 74, यानी दोनों न्यूट्रल जोन से ऊपर आ चुके हैं लेकिन ओवरबॉट नहीं हुए हैं, और जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं गुजरात गैस के, मैं कहूंगा ये ओवरबॉट सिचुएशन एटलीस्ट 80 से लेकर 95 के बीच में आएगा, उसके पहले ओवरबॉट नहीं होगा ये स्टॉक। रिटर्न्स परसेंटेज एक हफ्ते में 10% का रिटर्न दिया है, जबकि अगर स्पेसिफिकली 6 महीने की बात करें तो 16% का करेक्शन था, 3 महीने में 13.5% का करेक्शन था, और लेकिन अगर एक साल की बात करें तो 4% का रिटर्न है सिर्फ, लेकिन 3 साल में 234% का रिटर्न, 5 साल में 250% का रिटर्न और 10 साल से किसी ने स्टॉक को होल्ड किया है तो 760% का रिटर्न मिला है। म्यूचुअल फंड डेटा भी काफी अट्रैक्टिव है, 26 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया है, 27 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है, डिफरेंस बाइंग साइड में आया है अप्रैल मंथ में और क्वांटिटी है 875,000 शेयर्स के। तो 875,000 क्वांटिटी यहाँ पे गुजरात गैस के बाय हुए इन द मंथ ऑफ अप्रैल बाय द म्यूचुअल फंड कंपनीज, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ DIS डेटा। ओवरऑल स्टॉक बढ़िया है, रिजल्ट्स बढ़िया दिए हैं और उसी हिसाब से मैं कहूँगा गुजरात गैस को होल्ड कीजिए, अच्छा खासा मोमेंटम आने वाले दिन में आपको गुजरात गैस में जरूर देखने मिलेगा। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।